हाल ही में ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान ए दिल है मुश्किल में दिखे। इसके बाद वो वोग की एक पार्टी में भी पोज करते नजर आए। सबको लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन ऐश्वर्या राय ए दिल है मुश्किल के बाद भी शाहरुख खान के साथ 3 फिल्में रिजेक्ट कर चुकी हैं। वो भी तब जब उन्हें जज्बा और सरबजीत जैसी फिल्में करनी पड़ रही हैं। इस बीच करण जौहर की ए दिल है मुश्किल से ही उम्मीदें थी, लेकिन वहां भी करण जौहर ने केवल ऐश्वर्या राय को इस्तेमाल किया। बहरहाल ऐश्वर्या और शाहरुख के बीच चीजें ठीक नहीं थी और हाल ही में हुई हैं। लेकिन जिस तरह से ऐश्वर्या फिल्में रिजेक्ट कर रही हैं, अब ये लग रहा है कि क्या वाकई ऐश्वर्या ने शाहरुख खान को माफ कर दिया है। क्योंकि काफी समय पहले ऐश्वर्या राय ने खुद अपने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चीजें भूलती कभी नहीं है, भले ही गलती करने वाले को माफ कर दें। तो क्या इसका मतलब है कि ऐश्वर्या राय ने शाहरुख खान को माफ कर दिया है, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगी कि एक दोस्त होने के बावजूद शाहरुख खान ने उनके साथ क्या किया। ऐश्वर्या ने माफ किया पर भूली नहीं। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल खोलकर हर बारे में बात की, उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर उनकी प्रोफेशनल लाइफ तक। पर बॉलीवुड के पुराने पन्ने पलटे जाएं तो सबसे कंट्रोवर्शियल बातें सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप से निकलकर आती हैं। जब तक दोनों बॉलीवुड के पावर कपल थे सब बढ़िया था, लेकिन इनके ब्रेकअप ने बहुत लोगों की मुश्किल बढ़ा दी थी। शाहरुख ने दिया धोखा। उस दौरान बॉलीवुड में सलमान, शाहरुख, प्रीति, रानी, करण, फराह, ऐश सबका एक ग्रुप था। लेकिन ब्रेकअप के बाद अचानक से ही सबके सामने एक ही मुश्किल थी, अपना साइड चुनना। और सबका साइड जाहिर था सलमान। इस बात से ऐश्वर्या राय को बहुत चोट भी लगी और उनका काफी नुकसान भी हुआ। काफी समय तक उन्होंने बॉलीवुड में दोस्त बनाए ही नहीं, करवाया था रिप्लेस। ऐश्वर्या राय ने साफ साफ सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में कहा भी कि शाहरुख ने उस वक्त उन्हें 5 फिल्मों से रिप्लेस करवाया था और उन्होंने ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी। सब कुछ ठीक, हालांकि कुछ सालों पहले ही एक पार्टी में शाहरुख और ऐश्वर्या मिले और शाहरुख ने सामने से आकर उन्हें बीती बातों के लिए सॉरी कहा और अब शायद दोनों में सब कुछ ठीक है। पर अपने पुराने इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा था कि मैं माफी भले ही दे दूं पर मैं कुछ भी भूलती नहीं हूं सलमान के कारण। लेकिन उस दौरान सलमान का साइड लेने की वजह से ऐश्वर्या राय का काफी नुकसान हुआ था। उनके दोस्तों ने उनका साथ तो छोड़ा ही, साथ ही उन्होंने काफी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से हाथ धोया सलमान के कारण। सलमान के स्टारडम का असर, ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान खान से ब्रेकअप के बाद इंडस्ट्री में उनके दोस्त बदल गए, लोगों को उनमें और सलमान में चुनना था और सबने सलमान चुना, जिसकी वजह से वो कई फिल्मों से हाथ धो बैठी। चलते 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 तो बॉलीवुड का सबसे मशहूर किस्सा है। सेट पर सलमान के तमाशे के बाद शाहरुख ने ऐश को बिना बताए फिल्म से बाहर कर दिया और रानी, जो कि ऐश की बेस्ट फ्रेंड थी, उन्हें बताए बिना फिल्म शूट भी करने लगी। देवदास, हालांकि शाहरुख, ऐश ने देवदास पूरी की, लेकिन उनके बीच की खटास हमेशा संजय लीला भंसाली की मुश्किल बढ़ाती रही। खास तौर से तब जब सब ठीक था तो सलमान इस फिल्म के हीरो बनना चाहते थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का किरदार ऐश्वर्या राय के लिए ही लिखा गया था, लेकिन शाहरुख ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। बाद में फिर एक बार रानी ने ऐश की जगह ली। बाजीराव मस्तानी, संजय लीला भंसाली ने ये सपना सलमान ऐश के साथ देखा था, लेकिन ब्रेकअप के बाद सलमान फिल्म में रहे और ऐश बाहर हुई। हालांकि भंसाली भी सलमान की जिद पर कैटरीना को लेने के लिए नहीं ही माने और फिल्म डिब्बा बंद हो गई। मैं हूं ना फिल्म की पहली चॉइस थी ऐश्वर्या राय, और कारण था फराह खान का दोनों के काफी करीब होना, लेकिन शाहरुख उनके बेस्ट फ्रेंड थे और उनका रूल सबको मानना था, नो ऐश।